के सिर से माँ बाप का साया उठ गया तो क्या उन्हें उनकी कमी नहीं खलने दी जाती? उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह स्कूल जाते हैं। कुदरत ने उन्हें उदास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी उन मासूमों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक या दो लोग नहीं, पूरी की पूरी संस्था ही काम में लगी रहती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर चौबेपुर गांव में अनाथ बच्चों के लिए बसाए गए बाल ग्राम की, जिसे उन बच्चों के लिए बसाया गया है जिनके सिर से उनके माँ बाप का साया उठ चुका है। यहाँ हमारी खुद की गाड़ी है और यहाँ पे हमें 24 घंटे की लाइट मिलती है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी से लेके हर वो एक चीज़ है जो एक नॉर्मल घर में रहती है, तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हमें फुल सिक्योरिटी मिलती है। ये गांव बच्चों का है और इस पर आधिपत्य भी बच्चों का ही है। इस गांव में मोहल्ले हैं और हर मोहल्ले में अलग अलग घर। इतना ही नहीं, हर घर में रहने वाले बच्चों के लिए उन्हें प्यार करने के लिए एक माँ भी है। जानकारी के अनुसार बाल ग्राम के हर घर में एक माँ है। SOS Children's Village बच्चों की देखभाल करने वाली एक अग्रणी संस्था है जो पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हें हम यहाँ पे एक वैकल्पिक परिवार देते हैं। इसके बाद एक संस्था दूसरा काम भी करती है, फैमिली सेंटरिंग प्रोग्राम, जिसमें उन परिवारों को भी सशक्त करती है जिनके बच्चे अनाथत्व की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपने बच्चों को बाल मजदूरी की तरफ झोंक रहे हैं, जो बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। ऐसे भी 650 परिवारों को बनारस में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस माँ के अंडर में 10 बच्चे हैं। इनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी उसी माँ की होती है। इस गाँव में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संगीत भी सिखाया जाता है। यहाँ रहने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि वह यहाँ कब लाए गए, पर कभी उन्हें परिवार और किसी और चीज की कमी नहीं महसूस हुई। इस हमारे बालग्राम में 285 बच्चे हैं जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से वंचित हैं, उन्हें हम इस बालग्राम में भाई बहन, माँ, घर और बालग्राम देते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सारी व्यवस्थाएं हैं।